अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूं। तो आज फाइनली द डे कम्स, मैं जा रहा हूं थाईलैंड। तो फ्लाइट मेरी 12:15 बजे की है। इस वक्त बच चुके हैं 6, नहा धो के रेडी होता हूँ और फिर इंशाल्लाह ताला एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। तो फिर मिलता हूँ एयरपोर्ट पे। सामान को लेकर आओ भाई, चलो 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 चलो। सो फाइनली गाइस, मैं इस वक्त एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूँ। चलो जी, इस वक्त अभी ये जगह है जी अंदरूने मुल्क रवानगी। हमने इधर नहीं जाना भाई, हम लोगों ने जाना है जी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की तरफ। तो अभी वो सामने जगह है, वो सामने। तो गाइस, इस वक्त मैं अभी चेक इन के लिए अंदर एंटर हो गया हूँ। यहाँ से अभी सिक्योरिटी चेक हो रहा है। तो गाइस, ये भाई साहब हैं जो मेरा अभी सामान चेकिंग हो रही है, चेकिंग करवा रहा हूँ सामान मैंने है। ये मैंने सोचा कि चलो इसको मैं जहाज में अपने साथ ही लेके जाता हूँ। टिकट मेरी आ गई है। तो गाइस, इस वक्त तो मेरी जो है टिकट भी आ गई है। टिकट मैंने चेकिंग करवा दिया है। ओए हो, बोर्डिंग के लिए अब मैं निकलने लगा हूँ आगे अपनी जगह पर। अब देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। पहले मैंने अपना पासपोर्ट भी देख के चेक करवा लिया है, ठीक है। चेक करवाने के बाद मैंने अपना बोर्डिंग के लिए भी ओके करवा लिया है। सामान अपने साथ बैग जो है मैं जहाज में रखूंगा। हेलो जी भट्टी साहब, अब आपकी बारी है, इसके बाद मेरी बारी होगी, ठीक है। तो अभी आप पहले फटाफट अपना करवा लें, रेडी हैं फुल? बाकी लोग नहीं आए तो ये खुला तजाद नहीं। बिल्कुल कोई तजाद नहीं है, हम बाकियों का अभी वेट करेंगे। तो फाइनली गाइज, इस वक्त मेरा चेक इन भी हो गया, बोर्डिंग कार्ड भी ले लिया और इस वक्त मैं पहुंच गया हूं अब वेटिंग रूम में। अब यहाँ पे अब समझ लो इस वक्त टाइम हो रहा है 9:45 और 12:15 बजे की फ़्लाइट है। तो इट्स मीन क्या, मुझे 3 घंटे इधर ही आराम करना है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा आराम करते हैं और कुछ खाते पीते हैं क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। तो अभी तक के लिए ये हैं मेरे टूर के साथी। एक ये है जी वहाब और ये है जी सलमान भट्टी। भट्टी साहब कैसे हैं आप? फिट हैं आप? एक्साइटेड हैं? यस श्योर। लेकिन आपके चेहरे से नहीं लग रहा कि आप उस टाइम। आपको पता ना, मैं थोड़ा सा मुझे जरा हल्का। ओहो, बुखार? ध्यान से भाई, ये ना हो कि रास्ते में कोई रोक ले आपको। यार बड़ी ही टाइट भूख लग रही थी, इसलिए मैंने मंगवाया है जी फिश डील मंगवाई है। फिश चेक करें जी, छोटा सा फिलेट चिप्स और। तो चलो इसको, फिश को पहले ट्राई करते हैं। ओए मेरा मोहसिन आ गया भाई, मेरा मोहसिन आ गया। साजी कैसे हैं आप? कैसे आप? फाइनली गाइस, फाइनल ऐलान हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मिलता हूँ सुबह। चलो जी भागो 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 भागो, टाइम हो गया है। हुए हुए हुए, फाइनल एंट्री आ गई है भाई। होए होए होए, फाइनली जनाब मैं बैठ गया हूँ इस वक्त जहाज में। ओहो, ये सामने कौन सा जहाज है? ये तो हमारा ही है भाई। हाँ जी, थाई है और वो सामने पी आई है। और हम बैठ चुके हैं इस वक्त जहाज के अंदर। अल्लाह ताला खैर खैरियत से हमें लेके जाए। अल्लाह की कसम है, कलमा पढ़ लेना। और ये
ये मिल गया है मुझे पानी, ये है फन और ये है नट्स। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं फिश विद राइस। ये माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये एक बाइट लेके गाइज, मैं इस वक्त बैंकॉक एयरपोर्ट पे लैंड कर गया हूँ और इस वक्त अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। हेलो, वेलकम वेलकम। सो गाइज, फाइनली इस वक्त मैं एयरपोर्ट पे एंट्री ले ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। ओए होए साजी, मजे। ओए होए मजे मजे मजे। मेरे मोहसिन, कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका सफर? बेहतरीन है। मैं भी सो गया, मैंने तो भाई सो गया था भाई। तो गाइस, इस वक्त ऐसा बैड सीन हो गया कि मैं जल्दी जल्दी में निकलूं। मैंने अपना सिर्फ ये वाला बैग उठाया है और अपना हैंड कैरी जो है, जो मैंने अभी पहना हुआ है, वो मैं जहाज में छोड़ा है। मुझे याद ही नहीं रहा। काफ़ी आगे जाने के बाद मुझे पता चला मैं तो अपना बैग पीछे छोड़ आया हूँ। फिर भागा और फिर भाग के फिर जाके, ये शुक्र था कि वहाँ की जो एयर हॉस्टेस है उसने पहले ही साइड पर रख के वो लेकर आ रही थी बाहर। तो थैंक यू वेरी मच जी। तो फाइनली गाइस, मैं इस वक्त थाईलैंड की सरजमीन पर पैर रख चुका हूँ। फाइनली गाइज, मैं इस वक्त पहुंच गया हूं पताया। यहां पे अभी हम लोग कर लेते हैं नाश्ता। बड़ा सफ़र थोड़ा लंबा था बैंकॉक से पताया, तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है। बस में हम लोग अभी पताया पहुंचे हैं और यहां पे अब ऐसी टाइट भूख लग रही थी, तो अभी नाश्ते के लिए हम लोग पहुंचे हैं मुंबई से रेस्टोरेंट। तो यहां पे क्योंकि पाकिस्तानी खाने होते हैं तो इसलिए मैंने ले लिया है जी पूड़ी और अंडा और चिकन कीमा। तो अभी इसको ट्राई करते हैं। ये वाइट लेते हैं जी। ये शुक्र होता है कि यहाँ पे टेस्ट पाकिस्तानी मिल गया, क्योंकि हमें ये टेंशन थी कि यहाँ पे पता नहीं क्या टेस्ट मिलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी और हलाल हलाल फूड मिला है। जबरदस्त। फाइनली गाइस, इस वक्त मैं अपने होटल में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे हमारा इस्तकबाल हो रहा है। सो गाइज, मैं अभी इस वक्त होटल में पहुंच गया हूँ। अपने रूम नंबर है मेरा 5122, तो इस साइड पे। तो अभी चलता हूँ मैं अपने रूम में, देखूँ तो सही मेरा रूम कैसा है। ओ, रूम खुला है। तो ये है मेरा रूम। ये सारा बेड है, यहाँ पे वॉशरूम है, टीवी और ज़बरदस्त। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, बाहर का व्यू तो चेक करें। ओ भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
जबरदस्त। ये देखें जी, ये है मेरे होटल का बाहर से व्यू। ही ऊपर है, फिफ्थ फ्लोर पे मैं हूं और ये देखें जी नीचे स्विमिंग पूल है और ये सामने बीच। वो और वो सामने देखें, वो देखें जी वो बोट्स चल रही हैं, वो सारी बोट्स चल रही हैं। तो भाई फाइनली मैं इस वक्त अपने रूम में पहुंच गया हूं और अब मैं इस वक्त बहुत ही थक चुका हूं। ओए होए होए, बहुत लंबा सफर था जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से मैं पहुंच गया हूं। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे क्लोज करता हूं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, टाटा।